आज हम लेकर के आ गए हैं रील वायरल फोटो विद स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल को लेकर के। तो सबसे पहले आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। तो ऐसा स्टेटस बनाने के लिए आपके फ़ोन में VN ऐप होना चाहिए, होगा भी। अगर नहीं है तो लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसका एडिटिंग सीख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो हम अपने VN ऐप को ओपन कर लेते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां से सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। इसका जो फ़ोटो ड्यूरेशन है आप इस पे क्लिक करके आप इसको इरेज कीजिएगा और यहाँ पर आपको लिख देना है 0.55 सेकेंड, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आप यहां से बैक वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा और यहां से आप 13 फ़ोटो को ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम 13 फ़ोटो को ऐड करके आपको दिखाते हैं। आप यहां से 13 फ़ोटो को ऐड कर लीजिएगा। तो हम अपने 13 फ़ोटो को ऐड कर लिए। उसके बाद आप यहां से एरो पे क्लिक कर दीजिएगा, ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा ओरिजिनल, क्लिक कीजिएगा। इसका जो फ्रेम है 9:16 पे क्लिक कर दीजिएगा। कहीं भी खाली जगह पर एक बार टैब कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहां से टैब टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा, म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा, प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। साउंड वाला वीडियो का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, इसका जो भी नाम देना चाहते हैं दे दीजिएगा। ओके पे क्लिक करके साउंड को बाहर कीजिएगा, चूज वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, डन पे क्लिक करके आप इसको ऐड कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद आपका जो फर्स्ट फोटो है इसका जो साइज है, ड्यूरेशन है, आप यहां से बढ़ा करके 2.13 सेकेंड कर लीजिएगा। यहां पर आपको ड्यूरेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम यहां से इसका जो ड्यूरेशन है बढ़ा करके आपको दिखा देते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से बढ़ाइएगा, यहां पर आपको सेकेंड देखने को मिल जाएगा कि इस फोटो का जो ड्यूरेशन है कितना है। तो यहाँ से आपको कर लेना होगा 2.13 सेकेंड। तो चलिए हम ऐसे कर लेते हैं 2.13 सेकेंड। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे इस फोटो का जो ड्यूरेशन है 2.13 सेकेंड। तो आप यहां से इतना कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद आप किसी अगले फ़ोटो पे आ जाइएगा, एफएक्स पे क्लिक कीजिएगा। आप इसके स्टार्टिंग में आइएगा और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जूम इन, इसको आप यहां से अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करके सभी फ़ोटो में जूम इन वाला जो इफेक्ट है अप्लाई कर दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद नीचे से आप आगे की तरफ चलिएगा, जूम पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जूम आउट, ये वाला जो एनिमेशन है अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करके सभी फ़ोटो में जूम आउट वाला जो एनिमेशन है आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। इतना हो जाने के बाद आप आगे की तरफ चलिएगा, आगे इसका वाटर मार्क देखने को मिल जाएगा, इसको आप यहाँ से डिलीट कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद आप अपने फर्स्ट फ़ोटो पे आ जाइएगा, एफएक्स को ओपन कीजिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दो फ्लैशिंग, एक ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का। जो आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कीजिएगा, इसका जो ड्यूरेशन है फुल फ़ोटो में कर लीजिएगा, डन पे क्लिक कर दीजिएगा। लीजिए आपका वीडियो बन के तैयार हो चुका है। चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो बन जाने के बाद सेव करने के लिए आप यहां से एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, क्वालिटी देख लीजिएगा, डन पे क्लिक करके आप इसको गैलरी में सेव कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद के साथ साथ पूरा विश्वास है कि ये एडिटिंग ट्यूटोरियल आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।